So right now I'm in my hometown. I'm doing my breakfast. I'm about to do my breakfast, and after that I have some work to do. Then I will leave. Inshallah. Assalamu alaikum guys, this is Ayan Khan and you are watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new, maybe this time this is not a brand new vlog, God knows, Allahu alam. आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अभी कुछ देर पहले तक मैं अपने होम टाउन में था, बट राइट नाउ आई एम इन माई विलेज. ये सुनते सुनते आप पक गए होंगे, बट मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं 40 दिन से अपने गाँव में ही हूँ. इन गाड़ियों के आने जाने के शोर में हमारी गुफ्तगू में बहुत सारी बाधाएं पहुंचेंगी, तो मैं चलता हूँ एक सुनसान खोपचे की तरफ. मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिएगा. आई थिंक आई नीड टू गो टू दैट साइड ऑफ द रोड बिकॉज दिस रोड इज द मेन रोड फ्रॉम वेयर व्हीकल्स कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन डिस्टर्बिंग मेकिंग नॉइसेस हॉन्किंग फलाना ढिमकाना. सो आई नीड टू गो टू दैट साइड ऑफ द रोड इफ आई एम एबल टू डू सो. ये है ना मस्त रापचिक लोकेशन, बट सीरियसली आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट द हेल इज दिस. ये क्यों बना हुआ है, पानी रोकने के लिए है या पानी के फ्लो को बढ़ाने के लिए है या क्या करने के लिए, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर आ गया हूँ. नाउ कमिंग टू द टाइटल, लाइफ. लाइफ इज वॉट वी लिव एवरी डे. सुबह उठना, फ्रेश होना, वुजू करना, नमाज के लिए जाना, वापस आना, अपने काम पर लग जाना, दैट इज हाउ अ लाइफ इज. लाइफ कीप्स ऑन गोइंग लाइक आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, यू कैन सी. इन सबको देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि मैं एक पुराने कबाड़े जहाज पर खड़ा हूँ. मैं इतने ऊपर हूँ और इधर पीछे सुनसान एकदम लंबी सी नदी गई है, ऐसा चल रहा है. Straying every time from my topic, which is about the life. To be very honest, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 10-12 दिन हो चुके थे मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, और मेरे पास अभी कोई कंटेंट भी नहीं है, और मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ कि मैं रोज़ाना व्लॉग कर लूँ और कुछ ना कुछ ऐसा दे दूँ कि आपको आप इंटरटेन हो जाओ देखकर. जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता होगा मेरा बैकग्राउंड कि मैं पहले कॉमेडी स्केचेस बनाता था, फनी वीडियोज़ बनाता था, वाइंस बनाता था, बट मैं व्लॉगिंग फील्ड में नहीं था. ये भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं फटकवा कैसे खोल पड़े, मुझे क्या पता भाई, मैं तो देख रहा हूँ. ये कबाड़ खाने को तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा. ये लोहे को बेच दूंगा तो अच्छी खासी मेरी गाड़ी के लिए हेडलाइट आ जाएगी. जस्ट जोकिंग. फाइनली एक परफेक्ट पीसफुल जगह है. तो मैं बात कर रहा था लाइफ और उसके पर्पस और फलाना ढिमकाना के बारे में. तो हमारी जो ज़िंदगी है उसको जीने के लिए जो ज़रूरत हमें पड़ती है, बहुत लोग उन ज़रूरतों को अपनी ज़िंदगी का पर्पस बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है, मैं सुबह उठता हूँ और क्या बोलते हैं व्लॉग करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ और उनको अपलोड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ग्रो हो, रोज़ाना उस पर अच्छे व्यूज आएँ, मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही पर्पस है. सो दिस इज़ नॉट अ पर्पस मैन, दिस इज़ वॉट यू नीड इन द लाइफ. तुम्हें एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, हमारे पास मतलब एक ज़रिया होना चाहिए जिससे हम पैसे कमा सकें, हमारे पास फलानी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा ये काम हो जाए, आसान हो जाए. तो ये सब ज़रूरियात हैं हमारी ज़िंदगी के, इनको हम पर्पस नहीं बना सकते. मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैं रिमाइंड कर सकूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर, मेरी किरत पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कारी नहीं हूँ. तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल असर, वक्त की कसम खाते हैं. लोग बोलते हैं ना टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, बट जब रब्बे कायनात इस दुनिया का बादशाह जब किसी चीज़ की कसम खा रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ श्योरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अल्लाह ताला मतलब गुजरते हुए वक्त की कसम खा के बोलते हैं वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान जो है खसारे में है, दैट मीन्स मैन काइंड इज़ इन लॉस, हम इंसान जो है लॉस में है, हर एक इंसान. इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति, एक्सेप्ट दोज हु बिलीव एंड डू राइचियस गुड डीड्स. तो अल्लाह ताला ने आगे बोला है कि उनके अलावा जो ईमान लेकर आए और जो नेक और अच्छे अमाल करते हैं, वतवा सौबिल हक वतवा सौबिल सब्र, जो हक की दावत देते हैं और सब्र की भी दावत देते हैं. अल्लाह ने तो अलायदा सही कुरान में फरमा दिया है कि उन्होंने जिन और इंस को क्यों बनाया हुआ है, उन्होंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ उनकी इबादत के लिए बनाया हुआ है. और इबादत से इसका मतलब ये नहीं 5 वक्ती जाकर नमाज पढ़ लेना, वो इबादत नहीं है. इबादत प्लस व्हाट वी कैन से ओबीडियंस, अल्लाह की इताअत भी करनी है और साथ में उनकी इबादत भी करनी है. ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार के तुम 5 वक्त अगर नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो अल्लाह ताला कहते हैं तुम जुज़ी मतलब एक
इस्लाम का एक पार्ट बस फॉलो कर रहे हो, पूरा इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हो। एंड इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, हम आधा अपने तरीके से आधा उसके तरीके से नहीं कर सकते। हमसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे होती हैं, कितनी सारी चीज़ें छूटती होंगी, बट उसके लिए तौबा है। तो मतलब पहला ईमान होना चाहिए, दूसरा अच्छे नेक अमाल। अच्छे नेक अमाल वो कौन तय करेगा? मेरा दोस्त है, उसको एक लड़की पसंद है, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। अरे यार वो पढ़ जाएगी, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, अरे वाह तो ज़िंदगी बन जाएगी, मैंने हेल्प कर दी। दिस इज़ वॉट वी कॉल हेल्प। मेरे नज़र में होगा, आपके नज़र में होगा, या सोसाइटी वालों की नज़र में होगा, बट अल्लाह की नज़र में नहीं है। अल्लाह की नज़र में फहाशा है, बेशर्मी है, अल्लाह इस चीज़ को नहीं इंडोर्स करता है। वो राइचियस गुड डीड्स जो है अल्लाह बताएगा हमें क्या है वो। हम अपने हिसाब से अगर मोरल वैल्यूज़ एक दूसरे के सेट करने लगे ना तो बर्बाद हो जाएगा। आज से 50 साल पहले लड़का लड़के के साथ अगर कोई इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता था तो उसको गलत माना जाता था। आज सर्टिफिकेट मिल जाता है कि दे आर मैरिड। मतलब सोसाइटी बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होती रहती है, तो उनके वैल्यूज़ भी चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो अच्छे काम, अच्छे अमाल जो होते हैं लोग अपने हिसाब से करते हैं, ये अल्लाह के हिसाब से होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं। भाई हम करेंगे तो हम अलग अलग चीज़ें करेंगे, हमें लगेगा हम अच्छा कर रहे हैं, मगर उससे किसी का घाटा ही हो जाएगा। और अल्लाह जो चीज़ बताता है उसमें लोगों को लगता है हाँ ये करेगा तो घाटा होगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ से फ़ायदा ही होता है। तो मैं बोल रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। हक की दावत देना और उसके उस हक की दावत देने में मैं जो दावत दे रहा हूँ मुझे भी परेशानी आएंगी, तो उसको सब्र से को सह लेना। और जिसको मैं दावत दे रहा हूँ वो हक को अगर कबूल करता उसको भी परेशानी आएंगी बहुत सारी, उसको भी वो सब्र के साथ झेल जाए। ये है जो अल्लाह ताला ने बोला है। तो इसी आयत के तहत मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और वरना मैं सोचा था कुछ दिन बाद ही बनाऊंगा, जब कहीं जाऊंगा तो मैं व्लॉग कर लूंगा, बट मैं सोचा बीच बीच में ऐसी चीज़ें डाल देनी चाहिए। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू लीड आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह सुभान व तआला एंड हाउ आवर लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड हिज लाइफ। हमारी ज़िंदगी क्या बन चुकी है, हम खुशी के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जिनकी वजह से हमें कभी कभार किक मिल जाती है उन्हीं के पीछे हम भागते रहते हैं। इन सब के बीच में एक चीज़ हमेशा आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो है आपका दीन। 5 वक्त की नमाज और बाकी जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिए हुए हैं कुरान में, जो बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनकी सही हदीसों से जो हमें मिलता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को कांस्टेंट रख कर बाकी चीज़ें अप डाउन होती रहेंगी। ईमान भी इंसान का अप डाउन होता रहता है, बट द थिंग विच नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट इज दैट कि हमारे जो फ़राइज़ है वो हमेशा होते रहे, एक लाइन ऐसे बीच में बनी रहे। ऊपर वाला ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ, ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ये बीच वाली लाइन हमेशा बनी रहे। अल्लाह ताला ने इस्लाम जो है एक बाउंड्री की तरह बनाया हुआ है। हम मुस्लिम्स जो हैं एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं। बहुत लोगों को सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि तुम लोग गुलाम, बट मेरे भाई हम सब गुलाम हैं। कोई अपने आप को शैतान का गुलाम बोलता है, फ्री मेसनरी वाले, इल्यूमिनाटीज, सेटेनिस्ट, कोई अपने आप को अल्लाह का गुलाम कहता है अब्दुल्ला, कोई अपने आप को पैसों का गुलाम कहता है मनी इज़ माई गॉड, कोई अपने आप ही को गॉड बोलता है। तो सब गुलाम है, अपनी शहवत का कोई गुलाम है, कोई अपनी ख्वाहिशात का कोई गुलाम है। दुनिया का सबसे अमीर जो आदमी है प्रेजेंट टाइम पे, वो भी गुलाम है किसका, अपनी ख्वाहिशात का, और जो अपना काम कर रहा है उसका। अगर वो काम करना छोड़ देगा, आपको लगता है कि मतलब वो टिका रह पाएगा उस मुकाम पर जिस पर आज है? अगर वो अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनसे उस तरीके से पेश आना बंद कर दिया जैसे वो पहले आता था, तो आपको लगता है वो टिका रह पाएगा? आप कितने भी बड़े फन्ने खां बन जाओ, मगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी की गुलामी करनी है। तो मेरा रब क्या बोलता है, पैसे की गुलामी, लड़की की गुलामी, अपने ख्वाहिशात की गुलामी, उससे बेहतर है एक उसका गुलाम बनो जो इस कायनात का मालिक है। उस रब्बुल आलमीन की गुलामी करो, उसको फ़ख्र से उसके गुलाम बन के रहो। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बोलते थे अब्दुल्लाह, अपने आप को अल्लाह का गुलाम बोलते थे वो, और हम हैं अल्लाह के गुलाम। यहाँ पे लोगों को समझ में आता है अच्छा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें 10 साल बाद मुझे फ़ायदा होगा, इंश्योरेंस ले लें गाड़ी के लिए मेरा फ़ायदा होगा, धीरे धीरे किस्तें जमा करते हैं, इतना उनके अंदर सब्र होता है। बट जब दीन का काम होता है, यार मुझे इसका तो फल मिल नहीं रहा है, मैं 5 दिन नमाज पढ़ा मुझे इसका फल मिल नहीं रहा है, हार मान जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा वादा किया है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुमको बना दूंगा? नहीं, ये नहीं किया। अल्लाह ताला ने किया है वादा, जो मैंने शरीयत नाजिल की है उसके हिसाब से अपने अहकाम करोगे, अहकाम जो हैं, अमाल जो हैं उसको करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए कामयाबी रखाऊंगा। और कामयाबी क्या है? जन्नतुल फिरदौस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ पैराडाइज, वो बेहतर है। और वो हमें दिखती नहीं है वो चीज़ें, तो हमें लगता है कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट गुल्लक में 1-1 रुपये जमा करके फिर एक दिन अचानक से देखोगे तभी तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मेरी वीडियो का मोटिव यही था, हमें जो फ़राइज़ हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं वो पूरे करने हैं, नमाज़ पढ़ना, बाकी जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने हैं, बाकी ऊपर नीचे चीज़ें शिफ्ट होती रहेंगी। दिस इज़ माई वॉलेट, आज मेरे वॉलेट में सिर्फ ये 20 की नोट है, और
वो रब्बे कायनात की कसम खा के बोल रहा हूँ, बहुत सालों में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे पास आज 20 रुपए सिर्फ मेरे वॉलेट में। उसके पहले हमेशा इतने रहते थे, कभी काम पड़ जाए, कहीं दूर जाना हो जाए तो भी मेरा उसमें खर्चा हो जाता था, कभी कभी बहुत रहते थे। अल्लाह ताला ने ऐसी सिचुएशन में मुझे रखा हुआ है कि मतलब मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, अगर मुझे पेट्रोल भी डलाना पड़ जाता अपनी बाइक में तो शायद मैं नहीं डला पाऊंगा, मुझे अम्मी के पास जाना पड़ेगा मांगने के लिए। ये मेरी हालत है, ये अप डाउंस लगे रहेंगे। अब मैं इस वॉलेट को देख के ये सोच लूँ अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी में जो बहुत ढेर सारा पैसा कमाना, ये मेरी ज़िंदगी का मोटिव है, कभी मुझे गरीबी नहीं देखनी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अल्लाह ताला ने तो यही तो ज़िंदगी रखी है, हम जो है ज़िंदगी की चीज़ें जो धो रही हैं उनको देख के जज नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी का एम क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बता कर रख दिया हमारी ज़िंदगी का एम क्या होना चाहिए, हम उन चीज़ों को देख कर ये जज करेंगे ज़िंदगी का जो एम है उस तक पहुँचे कैसे। आपके पास कम पैसे हैं तो आप सब्र करके उस एम तक पहुँच सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसको दान चैरिटी करके आप अल्लाह तक पहुँच सकते हो। तो ये तो जरिए हैं छोटे छोटे, लड़की फंसाना, महंगे फ़ोन्स खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना, घूमना, फेम, ये सब हैं, मन करता अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं, ख्वाहिशात हमारे अंदर हैं, हमारी नफ्स जो है इन सब चीज़ों के लिए हमें बुलाती रहती है, बट इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। एंड द लास्ट थिंग, इन सब के बीच में इंसान बोर होता है, मैं भी होता हूँ, बहुत ज़्यादा होता हूँ। कुछ चैनल्स हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ अगर मैं खाली बोर होता हूँ, और मैं आपको धीरे धीरे करके वो शेयर करूँगा, सारे एक साथ तो नहीं शेयर कर सकता। एक उसमें से चैनल है स्माइल टू जन्ना, जो जिशान अली का है, जो कि आई थिंक वो पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूबर है, बट वो अभी यूके या यूएस में रह रहे हैं, मुझे भी नहीं कन्फर्म है। मैं उनके चैनल को देखता रहता हूँ कभी कभार, हर चीज़ में वो हिकमत के साथ दावा करते रहते हैं, इस्लाम को प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं जैसा उनके बस में है। तो आप कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ें और इल्म हासिल करें, अपने दीन का बेसिक इल्म रखें अपने पास कि आपको कोई टोपी ना पहना सके। मेरी वीडियोस को आप लोग देखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, बाय द विल ऑफ अल्लाह आप लोग देखते हो, अच्छी बात है, बट मैं बहुत दिनों से बोलता नहीं था, बट आप मेरी वीडियोस को जब देख लो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। मतलब मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स वो फ्रीज जैसे हो चुके हैं, उसके आगे बढ़ते नहीं हैं। मैं और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ सिवाय क्या बोलते हैं यूट्यूब और व्हाट्सएप के, तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पर अपनी प्रमोशन नहीं कर सकता, वहाँ पर अपने चैनल को जो है प्रोपेगेट नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और यूट्यूब पर आप हैं, तो आप ही से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरी वीडियोस को, जितना हो सके उतना शेयर करो आप। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, एंड कीप फॉलोइंग रसूलुल्लाह एंड बी ओबीडिएंट टू अल्लाह। अब मैं घर निकलता हूँ, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, धूप भी आ चुकी है, दिखता है कि नहीं, अबे सूरज, खैर चलता हूँ।